देखिए क्या है, जो जो सरकार आई है ना, सरकारें जो भी आती हैं वो गरीब के नाम पे आती हैं, मजदूर के नाम पे आती हैं और आम आदमी के नाम पे आती हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, तो उसमें दो पहलू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो किसान है 70-75 दिन से किसान बैठा है, तो आप ये देखिए, मतलब एक तो शर्म होती है, एक बेशर्मी है सरकार की कि 75 दिन से ये लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि किसान की इनकम डबल करनी। देखो जब किसी की इनकम डबल करनी है तो उसके लिए वही उपाय किए जाते हैं ना, जो किसान और किसानी है वो सारी डीजल पे है। सपोज़ आप पेट्रोल का रेट बढ़ाते हो, कोई बात नहीं, आप डीजल का रेट बढ़ाते हैं, पिछले 5-7 साल में जब से ये सरकार आई डीजल और पेट्रोल का रेट सेम हो गया, लगभग 2-4 रुपये का फ़र्क है, और पहले डीजल और पेट्रोल में 20-25 रुपये का फ़र्क था। तो सरकार की नीयत और नीति में फ़र्क है, जो डीजल और पेट्रोल का रेट एक हो गया, तो किसान की इनकम एक तो उस वजह से डबल नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ आप देखिए ट्रैक्टर का, मुझे ये बताइए ट्रैक्टर का 20-25 साल में क्या होता है, एक पॉलिसी 15 साल की बनी हुई थी, आपने क्या करा, उद्योगपतियों को जो कॉरपोरेट हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ट्रैक्टर कंपनी मोटर कंपनियों को आपने डीजल गाड़ियों की लाइफ 10 साल कर दी। चलो जो मान लो एक पर्सनल यूज़ का व्हीकल है उसमें आप 10 साल कर दें, कि क्या खेत में इतना पॉल्यूशन हो रहा है ट्रैक्टर से, जो आपने 10 साल कर दिया और उस पर 28% GST लगा दी। तो सरकार की नीयत और नीति में फ़र्क है। और दूसरी चीज़, एक दूसरा मैं पहलू ये बताऊँ, ये तो किसान की बात करते हैं, किसान के इस आंदोलन में 12-14 रुपये डीजल पर बढ़ चुके हैं और पेट्रोल में। दूसरी चीज़ आप देखिए कि जो आम आदमी है, किसान की बात तो छोड़ दें, चलिए आप किसान को एक साइड कर दीजिए, जो आम आदमी है, सपोज़ मैं खेती नहीं करता, मैं तो मेरे को जो ट्रांसपोर्टेशन है जी, कहीं से प्याज आ रहा है नासिक से, या कहीं से नासिक से अंगूर आ रहा है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट आदान प्रदान हो रहा फसलों का, तो वो भी तो डीजल पे डिपेंड है जो ट्रक चलते हैं। तो आप मुझे आप ये पूछ के बताइए सरकार से, क्योंकि आप लोग हमारा इंटरव्यू तो लेते हैं, कि सरकार बताए जब आपकी नीयत और नीति किसान को इनकम डबल करने की है, तो भैया वो बच्चे के जो कहावत है कि पालने में दिखते हैं पाँव, तो आपके पाँव तो दिख नहीं रहे। दूसरी चीज़, मोदी जी कहते हैं ये आपके डीजल पेट्रोल का जवाब दे दिया हमने, मोदी जी कह, और क्रूड ऑयल जो, चलिए अभी तो क्रूड ऑयल कह रहे हैं थोड़ा उछाल आया है, हाँ जी फास्ट ट्रैक, हाँ देखिए ऐसा होता है जो 2-4 लोग जो है किसी तरह जो मतलब फास्ट ट्रैक भी करने का इनका ये कारण है कि सारा पैसा जो है इनको बराबर मिलता रहे, जो बेचारे टोल में जो थे जो थोड़ा बहुत मान लो कमा भी लेते थे तो ठीक है फास्ट ट्रैक हो गया, कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है, वो इन्होंने कंपलसरी कर दिया, लेकिन ऑप्शन रखनी चाहिए थी, क्योंकि एक गाड़ी मान लो महीने में एक बार जा रही है, आप उसमें फिक्स इनका क्या है, मान लो कितनी गाड़ियाँ, नंबर ऑफ गाड़ी हैं देश में, इनको जो है सबका पैसा जो है इकट्ठा कर लो। पहले कांग्रेस की सरकारें थी, जैसा कि ये बोलते हैं कि वो घोटाले करती थी या ये सब करती थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो अगर कोयला घोटाला करा तो उन्होंने क्या करा, 100 करोड़ की कोयले की कंपनी, 10 करोड़ का घोटाला करा, रेलवे में घोटाला करा तो 5-6 करोड़ का करा, आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, आपने तो पूरा का पूरा सेक्टर ही बेच दिया, और उसमें क्या करा, आपने जॉब ख़त्म कर दिए। आप मुझे बताइए, जो कंपनियां बंद होती जा रही हैं, ये जो ये मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, देखिए जो BJP थी और RSS थी और मोदी जी थे, वो ये कहते थे कांग्रेस के टाइम में कि हम भूमि अधिग्रहण बिल नहीं लाएंगे, कांग्रेस के टाइम में बोलते थे कि भूमि अधिग्रहण बिल नहीं लाएंगे और हम जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हम FDI नहीं लाएंगे और हम स्वदेशी करेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, हाल ही में 3 दिन पहले मोदी जी ने किसी जयंती में कुछ बोला है कि आप जो है ना धीरे धीरे स्वदेशी को अपनाएं, आप स्वदेशी यूज़ करें, धीरे धीरे छोड़ें। यार मोदी जी आपकी कतनी और करनी हमें समझ नहीं आती, आप ऐसे भोले बन के देश को बेवकूफ़ बनाते हो और मीडिया को अपने साथ मिला के, जो इम्पोर्ट होता है चाइना से वो क्या आम आदमी कराता है, जो इम्पोर्ट होता है वो या तो पोर्ट से होता है या एयरपोर्ट से होता है, तो पोर्ट और एयरपोर्ट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, नोटबंदी रात के रात आप कर देते हैं, 370 रात के रात हो जाती है, और आज किसान जो 70% एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, कृषि प्रधान देश है, आप तो किसान की 80 दिन से सुन नहीं रहे हैं, वो ठंड में पाले में, अब गर्मी है, मई जून की गर्मी भी आने वाली है, तो आपको 200 बंदों की शहीदों की वो याद नहीं आई, तो आप जो स्वदेशी की बात करते हैं, एक कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आप भाई से इम्पोर्ट ही बंद करवा दीजिए ना चाइना से, लेकिन क्या है जनता का बेवकूफ़ बनाना है, वहाँ से कमीशन आती हैं, वहाँ से मोटी
मान लो 40 रुपये का कोई प्रोडक्ट यहाँ आता है 100 रुपये का, तो 40 रुपये इन्हें ड्यूटी मिलती है। तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं जनता का, और वो बंद कर दें। आज किसान आंदोलन में आम आदमी जाग चुका है, जन जन जाग चुका है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला ही है, इनकी दोहरी माप, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। जो राहुल गांधी जी और ये केजरीवाल बोलते थे 4 साल पहले, ये देश अडानी अंबानी को, तब ये बीजेपी के प्रवक्ता, नहीं हम तो कुछ नहीं बेच रहे हैं, कुछ अडानी अंबानी को नहीं। आज जनता के सामने आ गया कि आप किसको दे रहे हैं। टाटा भी तो उद्योगपति है, बजाज भी तो उद्योगपति है। आप टाटा और बजाज, टाटा एक ऐसा संस्था है जो चैरिटेबल है। आप अगर कुछ देना है पार्ट, वैसे तो मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ, इनका एक मत होता है प्राइवेट करने के साथ, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना वो काम नहीं करता। यार मुझे एक चीज़ बताइए, किसी टाइम में कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उनको किसी उनके चीफ सेक्रेटरी ने बोला, उन्होंने कहा जी ये आईएएस जो या ये आईपीएस पुलिस अफसर ना वहाँ जो है बेईमानी करता है, रिश्वत लेता है, उसका ट्रांसफ़र कर दो। उन्होंने देखो एक जगह तो उसने गंदी कर दी, ये नहीं है कि उसका ट्रांसफ़र करो, जो जहाँ है उसे वहीं सुधारो। तो कल्याण सिंह जी ने उसको वहीं स्ट्रिक करके वहीं सुधारा। और देखिए जैसा कि मोदी जी ने शुरू में करा, बहुत अच्छा काम था। मैं मोदी जी की तारीफ भी करूँगा इस चीज़ में कि उन्होंने जैसे गवर्नमेंट जॉब थे, जो दिल्ली में हम जो देखते हैं कि वो ताश खेलते थे पार्कों में, अटेंडेंस भी नहीं लगाते थे, मैनुअल थी। अब जो थंब लगाए, आप 9 बजे जाएँ थंब लगाएं, 6 बजे आप थंब से बाहर आते हैं। तो मोदी जी ने वो काम कर दिया ना, एक गिलास आधा खाली है आधा भरा है। तो मोदी जी को क्या करना चाहिए था, मेरा एक सजेशन है, सुझाव है सरकार को, कि आप जो है ना, आप रोज़गार ख़त्म मत करो ये बोल के कि सरकारी आदमी काम नहीं करता। आप जितना वो जो डिपार्टमेंट है उसमें आप क्या करिए, आप उसमें एक बंदा रख दीजिए जो ये वॉच करे कि कौन आदमी एक्यूरेट काम कर रहा है, और उनकी सैलरी कम कर दीजिए। अगर आपको देश को बैलेंस करना है कि आपकी इकोनॉमी डाउन है, चाहे कोरोना की वजह से या आपकी नीतियों की वजह से, आप देश में चलाने में असमर्थ हैं सब देखिए, तो उसमें आप एक वॉच करने वाला बंदा रख के सैलरी कम करके जो अच्छा काम करते हैं उनको इंसेंटिव स्कीम में ले आइए। बताइए ये चीज़ हो सकती है सरकार चाहे। पहले आप क्या करते हो, पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में मान लो एक पियोन है, एक मान लो ड्राइवर है, एक क्लरिकल है, पियोन की सैलरी आप 20,000 होनी चाहिए, आप उसकी 40-45 कर देते हो, एक कलर की सैलरी 1,00,000 रुपये कर देते हो, फिर आप कहते हो कि हमारे पे लोड पड़ रहा है, हम कहाँ से सैलरी दें। तो आप उनकी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की, जो पहले होता था 1980 से पहले 1990 से पहले, लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद करते थे, गवर्नमेंट में नहीं, क्योंकि सैलरी ऑलमोस्ट प्राइवेट की ज़्यादा होती थी, इक्वल होती थी। तो ये गलतियाँ आपकी हैं ना भाई। आप मान लो मेरे को सर्वप्रथम रोटी चाहिए, उसके बाद मुझे गाड़ी चाहिए और फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आप रोटी सबकी सुनिश्चित करें, आप गवर्नमेंट में भी वही स्केल रखें जो प्राइवेट में है, तो फिर ऑप्शन खुली छोड़ दें, जो प्राइवेट में मेहनत करना चाहेंगे प्राइवेट में जाएंगे, जो गवर्नमेंट में जाना चाहेंगे गवर्नमेंट में जाएंगे। सरकार अनेकों तरीके के हथकंडे अपना चुकी है कि आंदोलन समाप्त हो किसी भी तरीके से, उसके लिए उसने प्रशासन का भी यूज़ किया है और कुछ उपद्रवी हैं उनका भी यूज़ किया गया, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे भी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी ऐसा प्रपंच रचा गया था और वैसा ही माहौल क्रिएट किया गया था सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी, और साथ में इन्होंने मीडिया के जरिए ऐसी चीज़ें फैलाना भी शुरू किया कि आंदोलन में लोग नहीं हैं और ये आंदोलन में आंदोलनजीवियों का आंदोलन है, ऐसी वर्डिंग यूज़ की। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इस चीज़ की कोई खबर नहीं है, उनके पास जो पीआर एजेंसीज़ हैं वो उनको कंटेंट लिख के देती हैं और वो कंटेंट एज इट इज़ वो अपना पब्लिश कर देते हैं। उनको सच में ये नहीं पता कि यहाँ पे लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं, उनको गलत रिपोर्ट दी गई है। तो यहाँ से आपका आपके माध्यम से एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा सरकार को, कि सरकार अपने जो पीआर एजेंसीज़ हैं उनसे भी सवाल करे कि आप हमें गलत रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे आंदोलनजीवियों का आंदोलन नहीं है, प्योर किसान हैं यहाँ पे। आप सिंघू बॉर्डर पे लीजिए, टिकरी बॉर्डर पे लीजिए, या फिर आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, हर जगह लोकल से किसान आए हुए हैं। मैं गाजीपुर पे बॉर्डर पे हूँ, मैं जींद का रहने वाला हूँ हरियाणा का, गाजीपुर बॉर्डर पे पूरा दिल्ली क्रॉस करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं हरियाणा से, हर एक बॉर्डर के ऊपर हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं। सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सबसे पहली बात तो सरकार यही नहीं जानती कि ये जो एरिया है दिल्ली के चारों तरफ का एरिया, ये पंचायती एरिया है, यहाँ का जो सोशल सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, उनमें पेड भीड़ लाई जाती है बहुत बड़ी मात्रा में, लाखों रुपए वेस्ट किए जाते हैं उनके ऊपर, लाखों रुपए देने के बाद इतनी भीड़ नहीं जुटाई जाती। यहाँ पे 24 घंटे की कॉल के ऊपर लाखों लोग एक साथ आ सकते हैं। तो मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए, सरकारी मशीनरी को ये समझ लेना चाहिए कि ये ऐसे झुकने वाले लोग नहीं हैं, ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमारा पंचायती सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो मोदी जी इसको ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते जो कि अब तक देखा अनदेखा किया जा रहा है। वार्ताओं के जरिए उन्होंने सोचा कि टाइम वेस्ट कर दो, लोग उठ के चले जाएंगे, गुमराह करने की कोशिश की गई, बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाई गई, सरकार ने बहुत सारी रिपोर्ट तैयार की और कुछ फर्जी संगठनों के भी समर्थन लिए जिनके बेस के ऊपर सरकार ने चाहा कि हम आंदोलन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दें ताकि कोर्ट में जब ये बात जाएगी तो हम ये पेश कर देंगे कि बहुत सारे संगठन हमारे समर्थन में हैं। तो वो फर्जी संगठन जो 20 दिसंबर को भी संगठन खड़े किए गए उनका भी लेटर हेड के ऊपर समर्थन पत्र उनसे लिए गए हैं। तो ये कहाँ तक का न्याय है? किसानों को अनदेखा पूरी तरह से कैसे किया जा सकता है? देखिए, रेल रोको, रेल रोकने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों को देखते हुए प्रदर्शन के कुछ ना कुछ रवैये होते हैं, प्रदर्शन के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। उस तरीकों को देखते हुए ही एक सांकेतिक जो है रहेगा प्रोग्राम कि आंदोलन को विस्तार करने के लिए, आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि रेल रोको मूवमेंट के जरिए, रेल रोको का जो प्रोग्राम रखा गया उसके जरिए सरकार ये समझे कि पूरी तरह से पूरा देश का किसान एकजुट है और पूरे देश में रेल को रोका जाएगा। नहीं, पब्लिक बिल्कुल साथ में है। हमने बहुत सारे सर्वे किए हैं ऐसे जिनमें ये लिया गया है कि जब ये अगर हम रेल रोको आंदोलन चलाते हैं तो वहाँ पे कोई असुविधा तो नहीं होगी। तो पब्लिक कह रही है कि नहीं, जनता की आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है और पूरे देश की जनता, पूरे देश के यात्री जो रेल में उस दिन भी यात्रा करेंगे पूरी तरह से किसानों का समर्थन कर रहे हैं।